तो हेलो, वेलकम टू NSC मूवी एक्सप्लेन। तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है गोस्टेड। यह मूवी भी इंग्लिश में अवेलेबल थी, मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए इसे हिंदी में एक्सप्लेन किया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मूवी की शुरुआत में शेडी को दिखाया जाता है जिसकी दोस्त हाल ही में गुजर गई थी। तो शेडी कई बार घूमने आती है और फिर आगे कॉल को दिखाया जाता है जिसकी किताबों की शॉप है और उसकी पास वाली आंटी की पेड़ पौधों की शॉप है। तो वो आंटी कहती है, मैं अभी आई कॉल, तुम मेरी दुकान का ध्यान रखना। और फिर वहाँ तभी शेडी आ जाती है और उस दुकान पर एक पौधा खरीदने। तो कॉल उसको अच्छे पौधे दिखाता है। तो शेडी बताती है कि मैं काम के सिलसिले में बाहर ही रहती हूँ, तो तुम मुझे कम पानी से चलने वाला पौधा देना जिसको ज़्यादा पानी की जरूरत ना पड़े। तो फिर कौन कहता है, तुम्हें पौधों की देखभाल करना नहीं आता, तुम इन पौधों को मार दोगी। और फिर दोनों में बहस हो जाती है और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। और फिर तभी वहाँ आंटी आ जाती है और शेडी को पौधा दे देती है। और फिर वो आंटी कहती है, कितनी प्यारी लड़की थी, तुमने उससे झगड़ा क्यों किया। फिर कॉल शेडी के पास जाता है और उसे माफ़ी मांगता है और शेडी से कॉफ़ी के लिए पूछता है। और फिर वो दोनों कॉफ़ी के लिए कहीं बाहर घूमने जाते हैं और दोनों कॉफ़ी पीते हुए बातें करते हैं। और शेडी बताती है कि मेरा यही काम है घूमने का, पर कॉल कभी देश के बाहर नहीं गया था। और फिर दोनों एक आर्ट गैलरी में घूमने आते हैं और पेंटिंग देखते हैं। और फिर शेडी कॉल को अपनी माँ के बारे में बताती है कि मेरी माँ बहुत बहादुर थी। और फिर अगले सीन में कॉल और शेडी दोनों एक क्लब में घूमने आते हैं और दोनों बहुत मस्ती करते हैं। कॉल को भी धीरे धीरे शेडी पसंद आने लगती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और फिर कॉल शेडी को उसके रूम पर छोड़ आता है और वापस अपने घर आ जाता है। तो कॉल को सब घर पर देख के बहुत खुश हो जाते हैं। तभी कॉल की बहन मेटी कहती है, माया किसी लड़की के साथ मुख काला करके आया है। तो फिर कॉल की माँ पूछती है, बता मैं कौन है वो लड़की। तो कॉल बताता है कि उसका नाम शेडी है, वो बहुत प्यारी है। तो फिर अगले सीन में कॉल अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहा होता है और फिर वह अपना फ़ोन निकाल कर देखता है कि अभी तक शेडी का एक भी मैसेज नहीं आया। तो फिर कॉल के पापा कहते हैं, अपना ध्यान काम में लगाओ। और फिर कॉल वापस काम करने लग जाता है। और फिर कॉल अपनी फैमिली के साथ बातें कर रहा होता है। तभी कॉल को पता चलता है कि शेडी लंदन चली गई है। तो सब परिवार वाले कहते हैं, तुम लंदन जाओ शेडी के पास। कॉल कहता है, यहाँ पर भी बहुत सारा काम है, खेत का काम, मैं ये सब छोड़ कर कैसे जाऊँ। तो कॉल के पापा कहते हैं, तुम जाओ, यहाँ मैं सब देख लूंगा। तो फिर कॉल लंदन के लिए रवाना हो जाता है और कॉल फाइनली लंदन पहुँच जाता है। और फिर कॉल लंदन में आकर शेडी को ढूंढने लग जाता है। तभी कॉल को कुछ अनजान लोग मिलते हैं, वो कॉल को किडनैप कर लेते हैं। अब कहानी में आगे जो लोग कॉल को किडनैप करते हैं उनको लगता है कॉल टेक्समैन है, तो एक जासूस है। और कॉल उन लोगों को सच बताता है कि मेरा नाम कॉल है, मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने आया हूँ। पर कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। वह आदमी कॉल से कहता है, मेरे बॉस को वो पासपोर्ट चाहिए। पर कॉल कहता है, सर मुझे सच में कुछ नहीं पता। वह आदमी कॉल को टॉर्चर कर रहा होता है। तभी वहाँ शेडी आ जाती है कॉल को बचाने। तो कॉल शेडी से पूछता है, ये लोग कौन है और सच में तुम कौन हो। तो शेडी बताती है, मैं CIA के लिए काम करती हूँ। और शेडी बताती है, मैं ही टेस्टमैन हूँ। शेडी कॉल को बचाकर उस गुफा से बाहर आ जाती है, पर फिर भी वो आदमी कॉल और शेडी का पीछा करते रहते हैं। और फिर शेडी एक बस चुरा कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो आदमी कॉल और शेडी का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। और फाइनली कॉल और शेडी उनके सारे आदमियों को मारकर वहाँ से निकल आते हैं और एक सेफ जगह जा रहे होते हैं। तो फिर कॉल शेडी का सच जान चुका था और अब कॉल शेडी के साथ नहीं रहना चाहता था क्योंकि उसकी वजह से उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और लेवे के आदमियों ने टेक्समैन को भाग जाने दिया। इस कारण से लेवे को बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपने आदमी से कहता है, उन दोनों के पीछे अपने सारे आदमी लगा दो, मुझे वो दोनों चाहिए। और फिर कॉल और शेडी एक बाजार में आ जाते हैं। शेडी यहाँ पे अपने दोस्त मार्को से मिलने आती है। तो फिर वो तीनों खाना खाते हुए बातें करते हैं। तो शेडी मार्को से कहती है कि मुझे एस्टेड नाम का व्यक्ति चाहिए। और शेडी मार्को को पैसे देती है कॉल को वापस घर छोड़ने के लिए। तो शेडी कॉल से कहती है, मुझे खुशी है अब तुम सेफ रहोगे। और तभी वहाँ लेवे काउंटर वहाँ आ जाता है और मार्को को मार देता है और कॉल और शेडी को अपने साथ ले चलता है। और फिर गाड़ी में एक और नया हंटर उस पुराने वाले हंटर को मारकर कॉल और शेडी को किडनैप कर लेता है। ये सब किलर लेवे के लिए काम करते हैं जो पैसों के लिए इन दोनों को किडनैप करते हैं। और वो सब हंटर एक दूसरे को इनाम के लिए मार देते हैं और कॉल और शेडी वहाँ से निकल आते हैं। ये सब पासपोर्ट के लिए हो रहा है, लिवे को पासपोर्ट चाहिए और अभी तक किसी को नहीं पता पासपोर्ट किसके पास है। और फिर तभी शेडी को एक प्लेन नजर आता है, वो कॉल को बेहोश करके लिवे के आदमियों को बेच देती है क्योंकि उन्हें नहीं पता टेक्समैन शेडी है। और लिवे के आदमी उन दोनों को प्लेन में कहीं दूर लेकर जा रहे होते हैं। तभी लिवे का आदमी कॉल का फोन चेक करता है तो उसको कॉल और शेडी की प्राइवेट पिक मिलती है और उसे शक हो जाता है कि ये दोनों कपल है। तभी फिर लिवे का आदमी अपनी बंदूक निकालकर शेडी के ऊपर तान लेता है। तो शेडी कहती है, पासपोर्ट मेरे पास है, उसके पास नहीं है। तभी शेडी और कॉल वहाँ के सभी गुंडों से लड़ाई करने लग जाते हैं और इस लड़ाई में शेडी को चोट लग जाती है। और फिर कॉल पैराशूट लेकर नीचे कूद जाता है और शेडी को भी अपने साथ ले आता है। और फिर शेडी और कॉल एक आइलैंड पर आ जाते हैं और फिर लिवे के आदमियों को पता चल जाता है कि शेडी और कॉल एक आइलैंड पर है। और फिर तभी लिवे के आदमी उस आइलैंड पर आ जाते हैं और दोनों पर गोलियां चलाने लग जाते हैं।
और लीवे के आदमी वो बैग लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और फिर सीआईए के आदमी शेडी और कोल को अपने ऑफिस में ले आते हैं और फिर सीआईए के लोग उन दोनों से पूछताछ करते हैं और पूछताछ के दौरान कोल और शेडी आपस में झगड़ने लग जाते हैं और फिर शेडी को अपने बॉस से मिलने जाना पड़ता है और शेडी की बॉस उसको सस्पेंड कर देती है क्योंकि उसने वो बैग खो दिया था। और फिर अगले सीन में सीआईए के साथ मिलकर शेडी एक प्लान बनाती है कि टेक्स्टमैन पासकोड का हिस्सा बेचने के लिए तैयार हो गया है और सीआईए पासकोड का एक हिस्सा लीवे को बेच देते हैं। और फिर तभी वहाँ लीवे का बॉस भी आ जाता है और कहता है मैं भी कल तुम्हारे साथ चलूंगा टेस्टमैन से डील करने, अगर उसके पास पासकोड नहीं मिला तो कल हम उसको मार देंगे। और फिर अगले सीन में कोल टेक्स्टमैन बनकर लीवे से डील करने चला जाता है और कोल अंदर पार्टी में चला जाता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है टेक्स्टमैन के साथ जो सीआईए की टीम थी उसको लीवे के लोग मार देते हैं और फिर लीवे के लोग और उसका बॉस टेक्स्टमैन के पास आ जाते हैं डील करने। तो फिर लीवे टेक्स्टमैन से कहता है अगर तुमने कोई चालाकी या कोई लफड़ा किया तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, तो भी करना सोच समझ कर करना। तो लीवे कहता है तू जल्दी हमें पासपोर्ट दे दो, पर टेक्स्टमैन कहता है नहीं मुझे पहले पैसे चाहिए फिर पासपोर्ट मिलेगा। और फिर तभी वहाँ शेडी भी वहाँ आ जाती है और मीटिंग में शामिल हो जाती है और फिर तभी सभी को पता चलता है कि टेक्स्टमैन शेडी है और फिर तभी शेडी लीवे के बॉस को पासकोड बेच देती है और सभी लोग अपनी अपनी गन्स निकाल लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर तान लेते हैं और सब एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। और इस लड़ाई में शेडी और कोल भी गुंडों को मारना शुरू कर देते हैं और सभी गुंडों को मार देते हैं और फाइनली शेडी लीवे को मार देती है और पासकोड भी शेडी और कोल के पास वापस आ जाता है। और अगले सीन में कोल शेडी को अपनी फैमिली से मिलवाने लाता है और सब आपस में घुल मिल जाते हैं और अब कोल और शेडी दोनों सीआईए के लिए काम करने लग जाते हैं और दोनों साथ में मिशन पर जाते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी और भी न्यू मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए।